दिख रहा है फेस? नहीं तुम्हारा नहीं दिख रहा आज, ये बिल्कुल सही लग हाँ रहे हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा स्प्रे मारो तुम। हाँ मारो मारो। बस बस दूर से स्प्रे मारो ना ऐसे। हाँ तो आज आपके लिए लेके आऊँ 1 तारीख को एकदम धमाकेदार खेलने के लिए। अच्छा कर लीजिए, वो माइक लगा हुआ है। ओके सर। ओके। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपको मालूम है पाई नेटवर्क का नारा है एसएमसी कपिल देव हमारा है, तो आज आपके लिए 1 तारीख को लेके आया हूं एकदम धमाकेदार वीडियो। जी हां, आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में, आइस माइनिंग के बारे में, और हमारा एक और नेटवर्क है जिसके बारे में हम आपके लिए वीडियो लेके आता हूं, वो है बी नेटवर्क, उसके बारे में। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट, क्योंकि 1 तारीख है, आपके लिए धमाका होने वाला है, कुछ बड़ा कुछ शानदार। तो मिलकर स्वागत करते हैं उन गेस्ट का, आप गेस्ट कर सकते हैं कौन है वो। तो गाइज बात करते हैं, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर रवि रंजन एंड चाक रंजन। तो सर आज तो बहुत मजा आने वाला है वीडियो बिल्कुल, में बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच मेरे शो में, जिसका नाम है एसएमसी कपिल देव शो। ये मैंने अभी अभी बनाया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बहुत धमाल करने वाले हैं सर, बहुत ही मस्ती करने वाले बिल्कुल, हैं बिल्कुल। क्योंकि हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चन होते हैं कुछ, और कुछ नई अपडेट आई है जो पाई नेटवर्क में, उसके बारे में बात करेंगे। पाई नेटवर्क के साथ साथ हम बात करेंगे आइस माइनिंग के बारे में, आप भी कर रहे हैं, आपकी बहुत सी वीडियो मैंने आपके चैनल पे देखी है बिल्कुल, और साथ साथ बात करेंगे बी नेटवर्क के बारे बिल्कुल, में बिल्कुल। तो स्टार्ट कर लेते हैं सर, क्योंकि बहुत से लोग, सबसे ज्यादा लोग जो देखने आते हैं वीडियो, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस जो है वो हमारा है पाई नेटवर्क का। तो हम जो पाई नेटवर्क की बात बाद में कर लेते हैं तो चले जाएंगे बिल्कुल क्योंकि सर, क्योंकि हम अगर अगर आप सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, अगर हम पहले पाई नेटवर्क की बात करेंगे तो वीडियो आधी नहीं देखेंगे लोग। गाइस बस आपका क्या कहना है? गाइस मेरा कैमरा वो है, आपका क्या कहना है अगर पहले हम पाई नेटवर्क की बात करेंगे तो आप चले जाएंगे? तो हम बात कर लेते हैं सर, पहली करें दूसरी करें, आप बताएं सर कहीं से शुरू कर सकते हैं, कहीं से शुरू कर सकते हैं, हमारे ऑडियंस है बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। तो सर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो कितने बिटकॉइन रखे हुए हैं आप बताइए, आज आप खुलासा कीजिए सर, आपके पास बिटकॉइन कितने हैं? हम पाई तो बाद में कर लेंगे। देखिए बिटकॉइन खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला बहुत गंभीर चल रहा है मार्केट में। अच्छा, अब स्टॉक वाले के हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ ये तो बात है बिल्कुल। तो आप प्राइवेसी रखते फिर भी हमें अगर छोटी बात बोले तो अगर आप बेचेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा मार्केट में? बस शॉर्ट लगा लीजिए। अच्छा तो जब आप बेचने वाले होंगे शॉर्ट कर लेते हैं। खैर ये तो हमारा जोक था, खैर ये तो हमारा जोक था कि मेरा कैमरा सर वो है, मैं भूल जाता हूँ, आपका कैमरा ये वाला लगा हुआ है ठीक है। तो ये वाला मेरा कैमरा और इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यकीनन सर आप सबसे पहले हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में, क्योंकि देखिए सबसे पहला अपडेट जो है, सबसे करारा अपडेट जो है वो है पाई नेटवर्क का। तो पाई का जो पहला नेटवर्क का जो अपडेट है वो है पाई डीएम एंड चैट्स का, वो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, अपने होम स्क्रीन पे गाइस आप देख लेते होंगे। तो उसके बारे में क्या है वो पाई डीएम एंड चैट्स क्या है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए वैसे तो इसके लिए कि हम ऑलरेडी अपने चैनल पे बता दिए हैं आज से विद इन 1 वीक पहले ही, वेरी गुड, बट मैं क्लियर करता हूँ कि जो पाई डीएम चैट है ना, एक्चुअली मतलब पाई का एक Web3 चैट फीचर्स को एड ऑन किया गया है, और इसे आपको पता है और ऑडियंस को पता है कि हर मंथ पाई का हैकडन होता है, जहाँ पे कई सारे डेवलपर्स इसमें जुड़ते हैं, नए नए मतलब एप्लीकेशन को रेडी किया जाता है, उनमें से कुछ फीचर्स जो पाई कोर टीम को पसंद आता है वो अपने पाई के ऑफिशियल ब्राउजर में ऐड करते हैं। तो इस बार का जो फीचर्स आया हुआ है Web3 चैट का, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, हम अदर पाइनर्स अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या प्राइवेटली अगर आपको कांटेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन देना होता है। ओके तो जब आप चैट फीचर्स में जाएंगे वहाँ पे जैसे कि सपोज डेट हमें आपसे कांटेक्ट करना है क्योंकि आप बहुत बड़े हैं पाई नेटवर्क में, और आई थिंक आपके पास बहुत सारे पाई का टोकन भी है, मैं देखा हूँ चुपके से, और पाई का मतलब लाइक मार्केट वैल्यू भी मतलब नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो ऑफिशियली तो कुछ वैसा नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत से डीलर है कि एक पाई का ₹25 और $1 है। हाँ, उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि हवा मोड़ने वाले हैं, मतलब बहुत अमीर होने वाले होंगे। तो चलिए इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन चैट फीचर्स पे आते हैं।
तो मेनली क्या है कि इससे आप जो है ना, अगर प्राइवेटली आप किसी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो इसमें कुछ चार्जेस पे करना होता है, जैसे कि SMC कपिल आपका यूजर नेम से. तो हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपका यूजर नेम डालेंगे, प्लस जो भी मैसेज आपके साथ पहुंचाना होगा वो हम टाइप करेंगे एंड सेंड करेंगे. तो वहाँ पे लाइक 0.015 आपको मतलब मुझे ट्रांजेक्शन फी देना पड़ता है, प्लस 0.21 के हिसाब से और एक फीस होता है जो कि वो आपके पास जाता है, और 0.01% वो सॉरी 1 APY कोर टीम के पास जाता है. तो मेनली यहाँ पे इस फीचर्स का यूज यही है कि आप डायरेक्ट किसी भी पैनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. और लाइक जैसे कि अभी जो सेलिंग विलिंग का मामला चल रहा है, तो कोई बड़े अगर डीलर मिल गया, हो सकता है किसी से कॉन्टेक्ट किए, तो आप उसके माध्यम से अपना बाय सेल कर सकते हैं मेरे हिसाब से. हाँ, जो लाइक स्कैमर्स भी बहुत आ जाते हैं. हाँ, तो स्कैमर्स होते हैं, बट उस चीज को आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे चांसेस कम होगा स्कैमिंग का. बिकॉज अगर आप कहीं किसी टेलीग्राम के माध्यम से या फिर लाइक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत ऐसे मतलब पाए वेयर मिल जाएगा. हाँ. कि आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका पाए इतना में खरीद लेंगे, तो एक्चुअली वो 99% स्कैमर होते हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पाए जो फीचर्स है, चैट फीचर्स काफ़ी अच्छा है, और ऐसे ही हर एक मंथ आपको पाए के द्वारा कुछ नए नए फीचर्स हमें देखने को मिल रहा है. इधर अगर देखा जाए बैकएंड कुछ हम मंथ का बात करेंगे, तो बहुत ऐसे फीचर्स आ चुका है पाए नेटवर्क में. तो इसका अपकमिंग मैंडेट भी हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स को देखने मिल रहा है. P2P के लेके अभी कुछ अपडेट्स आया है. तो अदर कंट्री में तो जान रहे हैं कि P2P के माध्यम से बाय सेल हो रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं. तो यही फीचर से पाई का पाई चैट फीचर्स का यूज है. तो इन शॉर्ट मतलब अगर किसी को मुझसे बात करनी है पर्सनली, उसमें आके वो आके मुझसे मेरा यूजर नेम डालेगा, मुझसे बात कर पाएगा, और उसके लिए उसको कुछ पे करना पड़ेगा जो पाई टोकन के थ्रू ही होगा. पाई टोकन के थ्रू, अलग से पैसा पे नहीं करना, पाई के टोकन ही कट जाएंगे. तो इन शॉर्ट अगर आपको बात करनी है किसी से, आपको किसी से भी, आप मुझसे या कोई भी कॉमेंट सेक्शन में बंदा होता है जो मैसेज करता है ग्रुप में, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आप उसका यूजर नेम डालेंगे और आप अपने पाई की वैल्यू कुछ देंगे उसको, कुछ 0.5 कुछ बहुत कम वैल्यू है, और उससे क्या है आप लोग बात कर सकते हैं. तो ये पहला फीचर हो गया. बिल्कुल. तो सर अगर हम बात करें, आप कितने टाइम से माइनिंग कर रहे हैं इसकी पाई की? देखा जाए तो पाई का माइनिंग मतलब अप्रोक्स 2020 के आसपास से, बहुत पहले से. हाँ, बहुत पहले से ही कर रहे हैं. तो कितने कॉइन है सर आपके पास? समथिंग देखिए, मतलब रीजन क्या होता है कि एक्टिव भी उतना नहीं रह पाते हैं, जैसे हम लोग एक कंटेंट क्रिएटर हैं. तो रीजन क्या होता है, कभी कभी टाइम उसे खोलना मतलब ओपन करना भूल जाते हैं. तो अप्रोक्स देखा जाए तो मतलब 1 लाख समथिंग आई थिंक होगा सर. ये तो बहुत कॉइन हो गए सर. हाँ, मतलब आप तो काफी अमीर हो गए. अब कोई ले ले आप लीजिएगा. नहीं तो आप बताइए कितने का देंगे. मार्केट में चल रहा है 25 का एक क्वाइन. तो सर ये भी बात है, ठीक है, आपने 25 का बोला, तो ये भी एक मेरा सवाल था आपसे कि क्या है ये, कौन खरीद रहा है इसको, कहाँ से आते हैं लोग? देखिए, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे तो जो स्कैम हो रहा है, क्वाइन आपका स्कैम हो जा रहा है. सपोज डेट हम एक डीलर हैं, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि आप अपना पाई 25 के रुपये के हिसाब से आयनर के बात करें. वैसे बहुत लोग $1 में भी सेल कर रहा है. तो जस्ट एग्जांपल हम आपसे कांटेक्ट किए कि आप अपना पाई 25 रुपये के हिसाब से आप मुझे सेल कर दें. ओके, तो हम आपसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हम कुछ अमाउंट आपको देंगे ट्रस्ट मतलब जीतने के लिए, आपसे शुरू की पेमेंट दे देंगे आपको. और हम आपसे पाई कॉइन ले लेंगे. सेकंड टाइम मतलब आप 1000 टोकन आप सेल किए और हम 25 के हिसाब से आपको पेमेंट कर दिए. अब दूसरी बार आप ट्रस्ट आपका जीत चुके हैं, बिल्ड हो चुका है. बट अब हम दूसरे बार में 10,000 टोकन आपसे लेंगे और हम आपके साथ स्कैम कर जाएंगे, मतलब लाइक हम आपको पेमेंट करेंगे नहीं. तो देखिए, मेरा कहना वो नहीं कि स्कैम कर रहा था, आखिर कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट अगले को हो रहा होगा तभी वो पाए टोकन खरीद रहा है. हाँ, वो क्यों खरीद रहा है टोकन? तो हम उस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर मतलब यहाँ पे भी लोग क्यों परचेज कर रहा है. बिकॉज अभी पाई के द्वारा कोई ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि हम पाई को मतलब पाई का प्राइस ए होगा या फिर हम एक्सचेंज पे ला चुके हैं, फिर मतलब जो भी चीज़ें ऑफिशियली नहीं है. बैक टू बैक कुछ फीचर्स अपडेट आ रहा है, मैंडेट एंड ऑल आ रहा है, लेकिन प्राइस के लेके कुछ ऐसा मतलब हमारे प्राइस के लेके वैसा कुछ हमें देखने नहीं मिल रहा है. तो अगर कोई खरीद भी रहा है तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इंडिया छोड़ के अदर कंट्री में मैं जब देखता हूँ, लाइक जैसे कि रिसेंटली हम लोग लास्ट टाइम हम लोग वियतनाम गए हुए थे, तो वियतनाम में धड़ल्ले से पाई माइनिंग होता है. और
वहाँ पे बहुत ऐसे शॉप है जहाँ पे पाई टोकन्स आप दे के लाइक ग्रोसरी हो गया सीसी मतलब ग्रोसरी परचेज कर सकते हैं या फिर लाइक कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करना पाई कॉइन से। हाँ तो इस तरह से वहाँ काफ़ी मतलब शॉप है जहाँ से आप पाई टोकन दे के शॉपिंग कर सकते हैं। और अदर कंट्री और वियतनाम के अलावा बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे सुविधा है। तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि जैसे कि बहुत ऐसा स्क्रीनशॉट में देखता हूँ मतलब वीडियो देखता हूँ पाई न्यूज़ के द्वारा कुछ मतलब न्यूज़ चैनल है पाई का ट्विटर पे, तो वहाँ पे लोग वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर रहे हैं कि हम 0.1 पाई देख के हम एक आईफोन खरीद रहे हैं फिर एक कोई एंड्रॉयड फोन खरीद रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया फिर तो ये। तो उसके कंपेयर हम जब करते हैं कि जब ऐसा वीडियो आ रहा है तो मेरे हिसाब से है कि यहाँ से लोग सस्ते में 25 रुपये में खरीद रहे हैं। जब कोई अगर वीडियो जब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे 0.1 पाए देके एक मोबाइल कोई परचेज कर रहा है 16 से 17 हज़ार रुपये का, तो उसके अकॉर्डिंग तो 25 रुपये में अगर एक पाए खरीद रहा है बिल्कुल तो सस्ता हुआ। ये एक डॉलर तक भी गया था इसका प्राइस मतलब लोगों को एक डॉलर तक गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लोग सस्ते में पाए खरीद रहे हैं और अदर कंट्री में सेल कर रहे हैं पी टू पी के माध्यम से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है बिकॉज आखिर क्यों लोग खरीदेगा। अच्छा ये भी अगर बात करें हम कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि हमारे यहाँ से आप पाई से खरीद सकते हैं, ये भी कोई ऑफिशियली नहीं है। नहीं नहीं ये भी अनऑफिशियली हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल अनऑफिशियली हो रहा है। लेकिन हाँ देखिए कन्फर्मेशन तो नहीं है लेकिन लास्ट मंथ के एक अपडेट में मैं देखा हूँ जो कि पाई कोर टीम के ट्विटर पेज के द्वारा आया हुआ था कि पी टू पी के माध्यम से जो लोग मतलब लेन देन कर रहे हैं ना तो उसके लेके कुछ अपडेट आया था कि मतलब आप पी टू पी के लेके आप कितना सहमत हैं कि आप मतलब कितने अच्छे से तरीके से आप यूज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि लोग जैसे कि पाए चैट फीचर्स के बारे में हम बात किए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं वहीं पर कनेक्शन जाता है कि अगर आपको इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वे में अगर हम बाय सेल करना चाहते हैं आपस में तो हम वहाँ से कर सकते हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी ऑफिशियली पाए का कोई प्राइस नहीं है बट लोग एक हाइप के वजह से, और सेकेंड चीज मार्केट में पाए कॉइन लॉन्च है आपको पता है ना। हाँ एक पाए कॉइन वो काफी एक्सचेंजों पे हमने कर लेकिन वो तो ओरिजिनल पाए नहीं है ना। ओरिजिनल हाँ ओरिजिनल पाए नहीं है लेकिन अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 1 ईयर अप्रोक्स होने वाला आई थिंक दिसंबर। मैंने भी वीडियो बनाई है बहुत सारी आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में ही पाए टोकन जो डुप्लीकेट वाला है लॉन्च हुआ है। ओके लॉन्च हुआ है और वो जो मतलब सीएमसी पे भी है कॉइन गीको पे ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्सचेंजेस पे भी है तो सारे जो सोशल लिंक है वो पाए के ऑफिशियल यूज किया हुआ है। इसके लेके हम लोग सवाल भी उसमें उठाए थे बट पाए कोड टीम के द्वारा कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। हाँ ये बड़ी अजीब सी बात नहीं लगी सर आपको कि अगर कॉइन जो है स्कैम है वो ऑलरेडी हमको मालूम है स्कैम ही है मतलब क्या है लेकिन फिर भी अगर हम उसकी जाके कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको पे देखते हैं तो वेबसाइट वगैरह जितनी भी चीजें हैं सब वो ओरिजिनल पाई नेटवर्क की दिखाई जाती है उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। तो वही सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो उसको तो पाई कोर टीम के द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है क्यों मतलब उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया यूज किया जा रहा है वेबसाइट्स लेके हर एक कुछ और इनके द्वारा कोई एक्सचेंज करके हो रही है ऐसा एक्सचेंज के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पे आता है तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है अंदर का कुछ गेम भी हो जो कि हम लोग को ऐसा कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर जो प्राइस लोग परचेज कर रहे हैं 25 में एक पाई फिर एक डॉलर में तो उस प्राइस को कंपेयर करते हुए परचेज कर रहे हो ऐसा कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है वैसे अगर हम पाई की वैल्यू एक डिसाइड करें बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू क्या हो सकती है क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होगी उससे आप क्या चाहते हैं। तो देखिए पाई के वैल्यू जहां तक बात है तो हम पाई के वैल्यू ऑलरेडी आज से लगभग 1 ईयर पहले का ही जो मेरा वीडियो है जो कि काफ़ी अच्छा मतलब रैंकिंग क्या है तो उसमें हम पाए के जो वैल्यू है बिल्कुल नाक के बराबर हम बताए थे तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट आया कि नहीं आपको पाए के बारे में कुछ नहीं पता है जीरो नॉलेज है। ओके कि नहीं पाए तो बिटकॉइन को फेल करेगा पाई लाइक बहुत ज़्यादा जाने वाला एक अलग क्रांतिकारी होगा मतलब मार्क अपडेट लॉन्चिंग के बाद। तो देखिए उस समय तो हम पाए का प्राइस लाइक 0.1 कुछ कुछ हम रखे थे कि इस हिसाब से जा सकता है बिकॉज इसका जिस तरह से इसका ऑडियंस है जिस तरह से लोग माइनिंग कर रहे हैं
तो आज के हिसाब से बट यहाँ पे पुरानी वीडियो है आपकी। हाँ बट आज के हिसाब से हम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि ऑफिशियल कहीं कुछ लॉन्चिंग नहीं है मार्केट में, कोई 25 कोई $1 में ले रहे हैं, एक डुप्लीकेट पाई इसका ऑलरेडी मार्केट पे लॉन्च हो चुका है जो कि लॉन्चिंग टाइम $1000 टच किया है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे हिसाब से यही कि जैसा चल रहा चलने दो, माइनिंग करते रहो, ओके, जेन्युइन यूजर्स मिले, आपको जरूरत है नीड है सेल करने का तब करें, मतलब ऐसे ना। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहता हूँ कि जो बाय सेल जो यूजर हैं जो ले रहे हैं आपसे वो 95% तक स्कैमर है। 5% अगर हम मान भी लें तो उनका प्राइस बहुत कम होता है और उनको सेल करना इतना बड़ा रिस्क उठाना कि 5% ओरिजिनल है 95% स्कैमर है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करें। तो बाय सेल तो फिलहाल आप ऑफिशियली जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती जब तक आप ना करें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या है जब किसी को नीड है, सपोज किसी के पास लाख क्वाइन है, जैसे आपके पास 1.5 लाख क्वाइन है आपने बताया, तो चलिए मेरे पास 1.5 लाख क्वाइन है, मुझे अभी पैसे को जरूरत है मतलब, और हम सोच रहे चलो अगर 25 के हिसाब से कोई ले रहा है तो 20,000 क्वाइन हम सेल कर रहे थे कुछ पैसे आ जाए। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे पाए के वीडियो में इसके लिए कि हम एक सेकंड ऑप्शन रखें किस तरह से आपको सेल करना ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। तो जस्ट एग्जांपल आप हमसे कॉन्टेक्ट किए कि हम आपका पाए खरीद लेंगे, ओके, हम आपसे भी कॉन्टेक्ट कर लिए ठीक है हम इतना क्वाइन बेचना चाहते हैं क्या प्राइस देंगे। तो यहाँ पे जो हम सेकंड ऑप्शन रखे हैं कि जो स्कैमिंग का मामला हो रहा है, तो ऐसा नहीं क्यों ना करते कि आप अगर दिल्ली में हैं तो हम आपके पास आके हैंड टू हैंड हम एक काम कर ले, मतलब आप कहते हैं बाय फेस जो मिले डीलर उससे आप डील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मुझे नीड है पैसे की और अगर मुझे मेरे पास क्वाइन है आप लेने वाले हैं 25 के हिसाब से तो कितना खर्च होगा, और अगर वो जेन्युइन है तो मिल भी लेगा। हाँ अगर जेन्युइन है अगला डीलर अगर जेन्युइन है तो बिल्कुल मिल लेगा क्योंकि उसे भी बेनिफिट हो रहा है आपको भी बेनिफिट हो रहा है। नॉर्मली कितना खर्च होगा अगर ट्रेवलिंग का बात करें, अगर फ्लाइट से भी आ रहे हैं फिर ट्रेन से भी आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको एक अच्छा रकम मिल रहा है वहाँ से। तो सेकेंड ऑप्शन में रखा हूँ कि अगर आपको नीड है मतलब पाई क्वाइन सेल करके कुछ मतलब पैसे आना चाहिए तो हम डायरेक्ट एक दूसरे एक लोकेशन में पहुंच के हम हैंड टू हैंड फेस टू फेस हम एक काम कर सकते हैं। ऐसे डीलर होते नहीं आई गेस, मैंने तो नहीं देखा कभी। हाँ, मतलब वही चीज है ना यहाँ पे स्कैमर बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब आपको फिल्टर करना उस चीज को क्योंकि अगर डीलर रियल है उसे कुछ बेनिफिट लग रहा है कि नहीं पाई क्वाइन हम मेरे से 25 में खरीदेंगे और आगे क्या बेनिफिट होगा, कुछ तो बेनिफिट हो रहा होगा तभी तो खरीद रहे हैं आप। तो अगर आप रियल है तो आमने सामने हम एक काम कर सकते हैं आके। अच्छा, इतनी बात कभी वीडियो में नहीं हुई है, इतनी बात कभी वीडियो में समझा नहीं सकते हैं ना। मुझे लगता है आज का पोस्टकास्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपके लिए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। तो सेकंड अगर हम नेटवर्क की बात करें तो हम मैंने भी वीडियो बनाई है, आपने भी वीडियो बनाई है और आई थिंक उसकी भी ऑडियंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हम बात कर रहे हैं अपनी आइस नेटवर्क के बारे में। तो आइस नेटवर्क के बारे में आपको क्या लगता है वो कैसा नेटवर्क होने वाला है, पाई नेटवर्क के बाद का नेटवर्क अगर हम उसके बारे में बोले तो उसके बारे में दो शब्द हम सुनना चाहते हैं। देखिए आइस नेटवर्क का अगर हम प्लानिंग की बात करेंगे तो अभी तक जैसा मैं देख रहा हूँ जुलाई से आइस नेटवर्क माइनिंग शुरू हुआ है और इसका जो भी मतलब अपडेट है जो भी रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। दो फेज में इसका सारा काम कंप्लीट होना है। फर्स्ट फेज में इसका ऑलमोस्ट KYC DApp सारा कुछ दिया हुआ है। दूसरा फेज 7 अक्टूबर 2024 हाँ 7 अक्टूबर 2024 से पहले इस फर्स्ट फेज का सारा काम कंप्लीट करना है। सेकेंड फेज में आफ्टर मतलब 7 अक्टूबर 2024 के बाद इसका मैंडेट और लॉन्चिंग हो जाएगा। ओके, जिसमें एक वैल्यू हो जाएगी उसकी। हाँ, तो देखा जाए तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे था जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, लेकिन देखा जाए तो रिसेंटली लास्ट मंथ है ही इसका अपडेट आ चुका है कि हम आइस नेटवर्क को एथेरियम ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लॉन्च कर देंगे और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिसेप पे हम लिस्ट कर देंगे। अच्छा, इसका एक अपडेट ये भी आया कि अभी हम बहुत जल्दी इसको इथेरियम ब्लॉकचेन पे लेके आने वाले हैं यूनिस्वैप पे, वो नेक्स्ट वीक का एक अपडेट था, मतलब पास्ट वीक का था कि नेक्स्ट वीक हम कर रहे हैं। तो उसका कोई अभी तक अपडेट नहीं आया? नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अपडेट आ चुका है कि सबसे पहले हम KYC करेंगे। ओके, तो अभी तक देखा जाए तो लास्ट वीक 25% KYC डन हो चुका है। इस वीक कुछ अपडेट आया दो दिन पहले आई थिंक 50% हाँ 50% KYC डन हो चुका है। तो जब तक 100% KYC डन हो जाता है देन लॉन्च करेगा ये,
इथेरियम के ब्लॉकचेन के यूज करते हुए। ओके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आइस नेटवर्क अपने मतलब रोडमैप के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। और जहां तक मतलब वैल्यू की बात है, तभी इस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या वैल्यू हो सकता है। हाँ, इसका इसकी माइनिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। माइनिंग इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, मतलब काफी हद तक मतलब देखा जाए पाई के कंपेयर करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा स्पीड है, बहुत स्पीड है। हाँ। बहुत तेजी से, अगर कोई रेफरल नहीं भी करता तब भी एक दिन में 150 कॉइन अर्न हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर रेफरल टीम जुड़ जाए, जैसे हम लोग ही, अगर मेरे अप्रोक्सीमेटली 75 लाख के आसपास हो चुके हैं, 1 करोड़ टोकन के आसपास में पहुंचने वाला, तो यकीनन इसकी वैल्यू जो है पाई नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर हम पाई नेटवर्क से कंपेयर करें तो बहुत कम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी एक नेटवर्क, आप क्या चाहते हैं, कैसा लगता है आपको ये नेटवर्क, मतलब सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, आप उनको पिच करते हैं तो उनको इंस्टॉल करना चाहिए या कैसा नेटवर्क है, उसके बारे में अगर बात करें। देखिए, इंस्टॉल करके तो माइनिंग करना ही चाहिए, बिकॉज कब किसका क्या फ्यूचर, कब किसका क्या फ्यूचर हो सकता है वो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इतना है कि हम माइनिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, और सेकेंड, अगर अनाउंसमेंट किया है तो अनाउंसमेंट अकॉर्डिंग अगर वो पाइस नेटवर्क काम कर रही है तो मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है कि मतलब एक साल में कुछ अर्निंग कर सकते हैं इससे लॉन्चिंग के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, जैसे कि अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी माइनिंग प्लेटफॉर्म है जो हम लोग आपको बता रहे हैं, कुछ गिने चुने हम प्रोजेक्ट बताते हैं, अगर उस माइनिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो आइस नेटवर्क भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी बहुत जबरदस्त कमाल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी लग रहा है कि ये कभी भी लॉन्च हो जाएगा, इसका फेस कंप्लीट हो जाएगा तो लॉन्च हो जाएगा, तो बहुत, क्योंकि इतनी ऑडियंस जब जिसके साथ जुड़ी होती है ना, तो यकीनन उसके प्राइस में एक बहुत ज्यादा अच्छा पंप आता है। तो ये हमारा हुआ दूसरा नेटवर्क जो है हमारा आइस नेटवर्क। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल इसको इंस्टॉल कर दें, माइनिंग कर सकते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जुड़ सकते हैं। अब तीसरे नेटवर्क की बात करें, बी नेटवर्क के बारे में। तो बी नेटवर्क के बारे में आपका मतलब कितनी अर्निंग है, कितने टाइम से आप यूज कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस को उसके बारे में। देखिए, हम बी नेटवर्क की बात करेंगे तो जैसा मैं बताया हूं कि एक्टिव हम कम रहते हैं, तो जैसे कि देखा जाए तो अभी मोस्टली हम पाई और आइस को ज्यादा माइनिंग करते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी, पाई और आइस की आप ज्यादा करते हैं। बीड नेटवर्क को भी मैं यूज कर रहा हूं, बट उसमें माइनिंग रेशियो मेरा बहुत कम है। ओके, बट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। लेकिन जहां तक हम बीड नेटवर्क को देखे अभी तक, तो बीड नेटवर्क भी बिल्कुल हमें परफेक्ट लगा, क्योंकि वो भी इथेरियम के ब्लॉकचेन को यूज करते हुए काम कर रही है। तो आप बीड नेटवर्क देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि फ्री अगर माइनिंग हो रहा है, नॉर्मली आप इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करके करके टाइम पास करते हैं, तो अगर आप 24 आवर्स में एक बार वहां भी स्क्रॉल कर लेने में, हाँ, तो इसका भी 24 आवर्स में है, मतलब हाँ, जैसे हमारा हाँ, उसका है, तो हाँ, एक ही टाइम सेट करके हम कोऑर्डिनेशन बिठा करके कर सकते। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट ही देगा। ओके, आपका यहाँ पे बेस्ट ऑफ टाइम नहीं जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि यार क्या हम मतलब डेली ओपन कर रहे हैं आईएस नेटवर्क, पाई नेटवर्क, बी नेटवर्क, बट कहीं किसी से बेनिफिट हुआ नहीं। बट एक ना एक दिन अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू इसमें भी नेटवर्क में कर सकते हैं। आई थिंक ये नेटवर्क 2024 में कहीं ना कहीं अच्छे बेनिफिट्स देंगे अपने बाय। हाँ, देखिए, और सेकंड चीज क्या, अभी मार्केट बिल्कुल देखा जाए तो बेयर मार्केट चल रहा है। तो जहां तक पाई की बात है, चाहे आईएस की बात है, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो पाई नेटवर्क रिसेंटली कुछ अपडेट हमें देखने मिल रहा है, इसके कुछ सेकंड थर्ड पार्टी मीडिया चैनल है एक पाई का, उनके द्वारा कि मतलब जिस समय बिटकॉइन का हाल्विंग होगा, प्री जो मतलब बुल रन होगा, मे बी उस समय पाई को मैंडेट लॉन्च किया जाए, ताकि एक मार्केट 2024 में, हाँ, तो ताकि एक तो बुल रन का हाइप रहेगा, सेकंड पाई का भी एक हाइप चलेगा, जिसकी वजह से अपना ही कुछ अच्छा कर सकता है। नहीं, आई थिंक ये होना चाहिए, बुल मार्केट जब स्टार्ट हो तब अगर पाई नेटवर्क लॉन्च होगा तो एक अच्छा पाई को भी बूस्ट मिलेगा, बायर्स अच्छे आएंगे, जिससे प्राइस भी अच्छा बूस्ट होगा। उसी तरह से आप अगर आईएस की बात करेंगे तो भी उसका मतलब प्लानिंग वही है कि 7 अक्टूबर 2024 के बाद अपना ये लॉन्चिंग कर देगा, पब्लिक के लिए लिक्विडिटी एड कर दिया जाएगा एक्सचेंज जहाँ पे अपना लिस्ट करेगा बिफोर मैंडेट के पहले, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट ही देगा, चाहे आईएस हो, चाहे पाई हो, चाहे आपका बी नेटवर्क हो। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे माइनिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जिससे कि हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी माइनिंग प्लेटफॉर्म है, एक बार वेरीफाइड करके आप ये माइनिंग कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ ये, एक इसमें आपको अलर्ट रहना है कि कभी भी मतलब अगर कोई भी सजेस्ट किया कि यहाँ से हम पाई टोकन्स क्लिक, इस लिंक पे क्लिक करके आप पाई टोकन आप सेल कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके अगर आपका पाई टोकन का मतलब पाई ऐप का कुछ पासवर्ड भूल गए हैं,
फर्सेस की भूल गए हैं तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो वैसे सब लिंक को आप यूज ना करें, क्लिक ना करें, जिससे कि देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका पाई टोकन नहीं जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपका फोन हैक हो सकता है। और क्रिप्टो अगर है तो आपका पोर्टफोलियो होगा ही, तो पूरा जब फोन ही हैक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल रोड पे ही आ जाएंगे। तो मतलब पाई के चक्कर में अपना पूरा मतलब लाइक पोर्टफोलियो गमाना मत, मतलब लिंक पे तो देखिए किसी पे भी इसमें पाई का ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोई भी लिंक पे आप क्लिक करते हैं, कोई भी मतलब क्रिप्टो मार्केट का कोई भी अगर आपको ऐसा कहीं से कुछ मिल रहा है तो प्लीज उसे इग्नोर करें, बिकॉज वो 99% मतलब फिशिंग अटैक वाले लिंक परसेंट ही होता है, वो 100% ही। अगर आपको कोई फिशिंग लिंक भेज रहा है और बोल रहा है ऐसे रिकवर कर सको, तो क्यों, मतलब वो तो 100% ही स्कैम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप हमेशा इस मतलब अलर्ट रहें। तो गाइज ये तो थी अपडेट जो हमारी थी पाई नेटवर्क के बारे में, आइस नेटवर्क के बारे में, और साथ साथ हम बात करें बी नेटवर्क के बारे में। लगातार आपको अपडेट हम दोनों के चैनल से मिलती रहती है, टेक रंजन और मैं SMC कपिल देव अभी के लिए विदा लेते हैं, और लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल से हमेशा मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।